और इतने बड़े बड़े बंदर है कि वो डरते भी नहीं है, हम इंसानों से आजकल डरते नहीं है, वो हमें डराते हैं। बंदरें दी ते बहुत ज्यादा समस्या पिछले 4-5 साल, आतंक तो है, आतंक तो है, काम नहीं होते, सिर्फ बाधे हैं। रीवन काटने में जहां मर्जी इनको ले चलो वो चल पड़ते हैं जहां मर्जी, बाकी काम करने में नहीं है, सिर्फ कागजों में काम है। मांडा में जो जू खुला है वहां इन बंदरों को शिफ्ट किया जाए। हमारी दुकान से नीचे सलांगे लगाकर इधर से ये कुरकुरे वगैरह ले जाते हैं, घर में हमारी किचन से लेकर आके फुलके ले जाते हैं। बच्चे कई बार भागते हैं बंदरों को देखकर, भागते हैं तो बंदर उनके पीछे लगते हैं। 200 बंदर गांव पर त्रिए जाते बेचारी मारा सारी चीजें तोड़ी है। कपड़े लेने जाओ, जहाँ कुछ करने जाओ तो बंदर के बैठे होंगे, मसला लोन चाहिए। बच्चे पे तो टूट के पड़ गए बंदर, तो एक दो आदमी उधर और था सैर कर रहा था तो उसकी वजह से थोड़ा बीच बचाव किया। पूजा के जो होता है ना सामान वो भी उठा के ले जाते हैं, कई बार हमने देखा पंडित जो है छत के उठाकर जो नीचे ला रहा है, इतनी बुरी हालत। बंदर तो बहुत नुकसान कर रहे हैं, छोटे किसान है उनके तो सब्जी खा लेते हैं, फ्रूट खा लेते हैं, खेती बाड़ी करना भी कुछ किसान, कई आदमी खेती बाड़ी करना छोड़ ही दी है, झूठे ही है बातें, चुनाव से पहले ही करते हैं, इसके बाद कुछ नहीं। आप बोलते हैं हम ऐसा करेंगे, इधर से पकड़ के बाहर लगाएंगे, इधर करेंगे, हमें ये लगता नहीं है। आज एक बार फिर हम लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं और आज बंदरों की समस्या पर बातचीत की जाएगी। बंदरों का आतंक रियासी में बदस्तूर जारी है, इस मुद्दे पर लोगों का क्या कुछ कहना है और लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसी पर लोगों से बातचीत करेंगे। बंदरें दी ते बहुत ज्यादा समस्या पिछले 4-5 साल, अगे अस कोई घर सब्जी वगैरह अपने गुजारे वास्ते लगांदे हे, बिल्कुल खाली स्थान सारे पे दे, छोटे बच्चे घरों बाहर अपने बगैर जा ही नहीं सकते कुतै भी, इन्नी प्रॉब्लम है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई इस बारे च कोई स्टेप चुके तो अस बहुत बहुत एडवांस शुक्रिया करना चाहते हैं। बहुत प्रॉब्लम हो, कोई भी काम हो अपने छत पर जाना हो, लेडीज वगैरह बिल्कुल नहीं जांदियां, असें आपे भी जाना हो तो कोई छोटी बगैर लैने दे अस जा ही नहीं सकते उपर, इन्ने इन्ने खतरनाक मंकी न, छोटे मंकी इन्ना नुकसान करते हैं कि पुछो ही नहीं, कोई दरवाजा बाई चांस कुछ वक्त कोई खुले का रही आ तो मंकी अंदर बड़ी जाते, लेडीज का अंदर शोर मची जाता, किचन धोड़ी मंकी अंदर चली जाते, तो इन्नी प्रॉब्लम है। फिर अस एक बार दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया करने की कोई ना कोई स्टेप चुके जा ते आवाम दी सबने दी हेल्प की दी जा। इहदे बारे में हमारी दुकान है प्रॉपर बस स्टैंड, अभी तो दोपहर का वक्त है, अगर शाम को आप देखेंगे तो जे ऊपर हमारी दुकान से नीचे सलांगे लगाकर इधर से जे कुरकुरे वगैरह ले जाते हैं। रहा मसला घर का, घर में हमारी किचन से लेकर आके फुलके ले जाते हैं, तो हम घरों के अंदर तक आ जाते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो अगर कोई आ जाए ना तो बोलते हैं अंकल जी देखो मंकी यहाँ सामने बैठा हुआ, इसलिए हम आपके माध्यम से ये जो हमारे म्युनिसिपल कमेटी वाले हैं इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इनको पकड़ने का कोई ना कोई तरीका निकाला जाए। बंदरों की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है, पूरा रियासी शहर इनसे परेशान है। ज्योतिपुरम वालों ने जो बंदर पकड़े थे वो रियासी में छोड़ दिए हैं, अब उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है। हम कमेटी वालों से गवर्नमेंट से यही गुजारिश करेंगे कि इनको कोई टीम बुलाई जाए पकड़ के यहाँ से बाहर निकालें ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले। कोई वादा हमारा पूरा नहीं हुआ है, हम तो यही कहेंगे आज आप शहर की हालात देख लो कि शहर दिन ब दिन बहुत ही समस्या से जूझ रहा है, पर्टिकुलर बंदरों की समस्या पर। हाँ ये बंदरों की जब इन्होंने प्रचार किया था। जी जी, हम चाहते हैं कि बंदरों की समस्या हल होनी चाहिए ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले, लोग बहुत परेशान हैं। क्या-क्या परेशानी पेश है? लोगों के घर में घुस जाते हैं, किचन में घुस जाते हैं, छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, किसी को काट लें, किसी को कुछ कर लें, डर तो बना रहता है ना। लोगों का ना अपने ही घरों की छतों में भी जाने से। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला उन्होंने अंशी जी, इतने ज्यादा बंदर हैं और इतने बड़े बड़े बंदर हैं कि वो डरते भी नहीं है, हम इंसानों से आजकल डरते नहीं है, वो हमें डराते हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे कमेटी के चेयरमैन साहब से, ईओ साहब से कि बंदरों की समस्या हल की जाए प्लीज। डिमांड हमारी यही है कि इसका मसला हल किया जाए। पहले भी जब इलेक्शन हुई थी तो पार्षद जो खड़े हुए थे कैंडिडेट, उन्होंने कहा था कि ये हम इसका मसला हल करेंगे, वादा उनका याद करवाएंगे। हाँ, उनको खुद भी याद होना चाहिए। और जैसे कि सुबह पार्क में हम, जैसे जिनाना पार्क है, सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर भी मैंने एक दो बार देखा बच्चों को और खास करके लेडीज छोटे बच्चों को काटने को आते हैं बंदर, और उधर मुश्किल हो जाता है। बुजुर्ग लोग भी होते हैं जो सुबह सैर करने गए होते हैं। हाँ, आतंक तो है, आतंक तो है। अगर अकेला बंदा कोई घर से चला गया हो सुबह मॉर्निंग वॉक पे तो उसको दिक्कत रहती है। और मेरे सामने, मैंने खुद आंखों देखी, मैं आपको बात बताता हूँ, मैं डेली जाता हूँ और एक दिन मेरे सामने हुआ भी है ऐसा, एक बच्चे पे तो टूट के पड़ गए बंदर, तो एक दो आदमी उधर और था
सैर कर रहा था तो उसकी वजह से थोड़ा बीच बचाव किया उन्होंने तो हो गया, लेकिन समस्या तो है, इसका हल तत्काल होना चाहिए। साढ़े घर के कहते लाओ नी चक्कर तुस, उसे कम से कम कोई 200 बंदर लाओ पर त्रिये छत दे छाड़ी मारा सारी टीना त्रोड़ी है के सराणी बंदर से तो है करके एमसीडीएससी को ना डीसीडीएससी को ना कि जल्दी समस्या। हां जल्दी कोई कर्ण मारे इंतजाम, कोई पकड़ी पकड़ी है नहीं, कोई आके पीछे जंगल ही पे उनके बारे सोचो कुछ तो स्पेशल में तुझे सुनान लगा तो कोई डीसी मैडम ही आखो साढ़े बंदर का बहुत मुश्किल है साढ़े रोज टैंकी तोड़ी दें बाल टैंकियां ऊपर जाना बच्चे कल बच्चे पीछे लगे बंदर कपड़े लेने जाओ जहाँ कुछ करने जाओ तो बंदर के बैठे होंगे मसला लोना चाहिए मसला लोना चाहिए बड़ी मेहरबानी अगर छोड़ो अगर पीछे कुछ बाहर से बड़ा शुक्रिया थोड़ा डीसी मैडम ही आखो साढ़े ये रिक्वेस्ट है साड़ी गाल ये की डीसी मैडम थोड़ी पहुंचाओ। समस्या तो बहुत है मगर क्या करें हम किसको सुनाएं एमसी रियासी भी डीसी मैडम क्या करेंगे एमसी रियासी वाले म्यूनसिपैलिटी कमेटी वालों को कितनी बार आपने बोला कितनी दफा बाकी वालों ने बोला कई बार वादे भी किए थे कि ये समस्या वादे सिर्फ ये ऐसे ही है झूठे ही है वादे चुनाव से पहले ही करते हैं इसके बाद कुछ नहीं आप बोलते हैं हम ऐसा करेंगे इधर से पकड़ के बाहर लगाएंगे इधर करेंगे हमें ये लगता नहीं है कोई ऐसा सुझाव बड़ी समस्या इस समय बड़ी बड़ी समस्या है। देखो ये अभी दो तीन दिन हम देखो ना हमें तीन चार दफा तो हमारी लाइट ही चलेगी ये इनको बिजली वालों बिजली की तारों आपने पहले ही बोला था बिजली की तार जैसे गिरती है ये देखो इनकी तीन चार बारी छतरी जल गई तो वो बोलते हैं क्या करना है बड़ा हादसा भी हो सकता है इसलिए हम कहते हैं कि जो कुछ ना कोई हल निकाला जाए। बंदर तो बहुत नुकसान कर रहे हैं छोटे किसान है उनके तो सब्जी खा लेते हैं फ्रूट खा लेते हैं खेतीबाड़ी करना भी कुछ किसान का कई आदमी लोग खेतीबाड़ी करना छोड़ ही दी है उनके बारे में भी सोचना चाहिए हल होना चाहिए ये तो हल होना ही चाहिए। कुछ पार्षदों ने चुनाव से पहले वादा किया था लेकिन वो अपना वादा भूल चुका है नहीं वो वादे में पूरे नहीं उतरे हैं उन्होंने कोई कोशिश नहीं की है इसकी वैसे सिर्फ रियासी की बात नहीं हर जगह ये हाल है जम्मू में भी ऐसी प्रॉब्लम है मगर अगर सरकार चाहे तो हल कर सकती है हल करना चाहिए जल्दी समस्या इसको हल करना चाहिए ये बंदरों की जो समस्या है इसको जल्दी से जल्द हल किया जाए। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे बुजुर्ग हैं जो छतों पर जाते हैं थोड़ा बंदर आ जाते हैं बंदर काफ़ी बच्चों को नुकसान कर रहे हैं इसकी समस्या जल्दी से जल्दी हल किया जाए। अब मांडा में जो जू खुला है वहाँ इन बंदरों को शिफ्ट किया जाए। बंदर पहले होते थे ज्योतिपुर में जब हम ज्योतिपुर में पढ़ते थे वहाँ बंदरों की तादाद काफ़ी थी उसके बाद ज्योतिपुर प्रशासन ने बंदरों की पूरी गाड़ी उठाकर पता नहीं कहाँ रखी कहाँ नहीं रखी उसके बाद ये रियासी में उसके बंदरों की संख्या बढ़ती गई दिन प्रतिदिन बंदरों की संख्या रियासी में काफ़ी हो गई है बढ़ती जा रही है हर मोहल्ले में हर गलियों में जहाँ देखो जहाँ स्कूल जहाँ बच्चे सुबह ट्यूशन पढ़ने जाते हैं स्कूल में जाते हैं बच्चे आप तो हर जगह बंदरों से डरते हैं बच्चे कई बार भागते हैं बंदरों को देखकर भागते हैं तो बंदर उनके पीछे लगते हैं कोई ना कोई मुद्दा हल होगा तभी लोग भी जागरूक होकर लोग इनके प्रति अपना कोई जो आप डिसाइड करेंगे अपना गिफ्ट इनको देंगे एज ए वोटर की तरफ से देंगे कुछ ना कुछ हल करेंगे। ये एक अहम मुद्दा रहेगा बिल्कुल अहम मुद्दा है ये बंदरों की इतनी बुरी हालत है कि हम बाहर नहीं निकल सकते हैं हम कोई भी सामान जो बाहर नहीं रख सकते ना तो घर में बोलो कि सब्जी लगा सकते हैं ना कोई फसल लगा सकते हैं इतना बुरी हालत है कि मैं कहने की बात नहीं। ये अब म्यूनसिपैलिटी में ये बनी थी ये कमेटी जब बनाई गई थी तो उन्होंने वादे किए थे कि हम यहाँ से जैसे भी पहले भी बंदर जहाँ से लेके गए थे तो ये लाएंगे तो बाहर से ये बंदर कहीं जंगल में जाके छोड़ेंगे अब तो जू भी बन गया है। मेरा कहने का मतलब कि अगर ये ले जाके कहीं भी बाहर छोड़े तो ज्यादा बेटर है। ये गणेश मंदिर के हालत जितनी बुरी हालत है कि अगर दरवाजा खुला होगा ना अंदर से चाहे मैं ये कहता हूँ कि पूजा के जो होता है ना सामान वो भी उठा के ले जाते हैं कई बार हमने देखा पंडित जो है छत के उठाकर जो नीचे ला रहा है इतनी बुरी हालत है ये इनको इसके बारे में तो सोच रहे हैं बिल्कुल हल होना चाहिए हम तो ये कहते हैं कि बिल्कुल इसका हल होना चाहिए बिल्कुल इनको वादे जात करने चाहिए जो इन्होंने वादे किए सिर्फ वादे होते हैं काम नहीं होते सिर्फ वादे हैं चाहे हाँ बिल्कुल बिल्कुल टाइम पीरियड है हर जिस मर्जी मसले में ले लो वादे हर जगह हो जाते हैं हर जगह रिबन काटने में जहां मर्जी इनको ले चलो वो चल पड़ते हैं जहां मर्जी बाकी काम करने में नहीं है सिर्फ कागजों में काम है कागजों में सब काम करेंगे बाकी इस बार का जो चुनाव होगा ये भी मुद्दा बिल्कुल मुद्दा रहेगा बंदरों का सबसे आगे ये मुद्दा रहेगा। रियासी में बंदरों की समस्या बादस्तूर जारी है और लोग इस समस्या का हल निकालने की मांग एमसी रियासी और डीसी रियासी से कर रहे हैं। लोग पार्षदों को उनका किया वादा भी याद करवा रहे हैं जो उन्होंने चुनाव पूर्व बंदरों को लेकर किया था कि इस मसले का हल किया जाएगा। लोग उन पार्षदों को ये वादा याद करवा रहे हैं और लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द
इस समस्या का हल जो है वो किया जाए, इन बंदरों को पकड़कर किसी उचित स्थान पर छोड़ा जाए, जंगलों में छोड़ा जाए। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो नया जू बना है वहां पर इन बंदरों को छोड़ा जाए। बंदरों के कारण कई सारी परेशानियों का, दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि महिलाएं बच्चे अपने ही घरों की छत पर अकेले नहीं जा सकते हैं, इसके साथ ही बंदर जो हैं उनके घरों के अंदर तक घुस रहे हैं और कई सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कुछ केसेस ऐसे भी सामने आते हैं जिसमें बंदर लोगों पर अटैक भी कर चुके हैं। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।